दिव्यांग बच्चों के जीवन यापन के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। हर महीने देखभाल और उपचार के एवज में अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि माता पिता के ना रहने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा। ऐसे में दिव्यांगजनों के लिए स्टेट प्लानिंग जरूरी है। अब सवाल ये है कि स्टेट प्लानिंग कैसे करें, इसकी कारगर प्रक्रिया क्या है, इसके लिए अगर किसी स्टेट प्लानिंग एक्सपर्ट की मदद लेंगे तो क्या वो बेहतर रहेगा। इस एवज में कुछ फीस जरूर देनी पड़ सकती है, लेकिन इससे कई तरह की चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। स्टेट प्लानिंग की प्रक्रिया के तहत माता पिता को सबसे पहले भविष्य के लिए बच्चे का अभिभावक यानी कि संरक्षक नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही संरक्षक को बच्चे की जरूरतों के बारे में जागरूक करना होगा। जाहिर है आजीवन देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति को निर्देश देना बहुत मुश्किल है। इस काम के लिए एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट तैयार करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, लेकिन इस आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। अपनी मृत्यु के बाद दंपत्ति के बंटवारे की योजना बनाते समय माता पिता को परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। आमतौर पर माता पिता विशेष जरूरत वाले बच्चे की वित्तीय जरूरतों की गणना करते हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों पर भी गौर करना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों के बारे में अच्छी तरह से अवगत हैं। अगर विशेष बच्चे को अधिक संसाधनों की जरूरत होती है तो इन्हें कहां से और कैसे पूरा किया जा सकता है, इस बारे में अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। अगर परिवार के सदस्य बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उनके बीच बैठकर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। माता पिता के ना रहने की स्थिति में बच्चे का संरक्षक दिव्यांग बच्चे के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।